जी साथियों, देखिए हमने 50% यहाँ पे कर लिए थे। अगला 51% देखिए, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? तो देखिए, गणगौर के दिन जिस मारवाड़ के शासक की मृत्यु हुई थी उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो वो थे राव सांतल। राव सांतल की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी और वो ये मारवाड़ के शासक थे। अब देखिए, आप ये पीडीएफ मात्र 59 रुपए में परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको लगभग 2000 प्रश्न मिलेंगे और 86 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है। आप ये परचेज कर सकते हो। कक्षा 6 से 12 के सारे एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसके अंदर सम्मिलित है, और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगी। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? अब देखिए, फूलों की जो होली है वो कहां पर खेली जाती है? गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, क्रिसमस का जो त्योहार है 25 दिसंबर में, 25 दिसंबर को जब सर्दियां होती है तो उसमें मनाया जाता है। अब अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने होते हैं? अब देखिए, जो मार्च महीना होता है उसके अंदर विक्रम संवत के कौन से महीने चल रहे होते हैं? तो देखिए, फाल्गुन और चैत्र महीने मार्च महीने के अंदर आते हैं। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो व्रत है ये ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। देखिए, बहुत से प्रश्न आपको यहाँ पे नए देखने को मिलेंगे और एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। किस संवत को मालव संवत और सत संवत के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, विक्रम संवत जो है वो मालव संवत और संत संवत के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो देखिए, इसकी कई बार तिथि भी पूछ ली जाती है, तो इस तरह के जो प्रश्न है उनकी जो तिथियां हैं वो भी आपको याद रखनी है। जैसलमेर पतंग महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। उत्सव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेला है ये हल्दी घाटी में भरता है। बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जम्बेश्वर जी का जो मेला है वो मुकाम में आयोजित होता है। थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? तो थदड़ी जो त्योहार है वो सिंधी जाति के या सिंधी धर्म के अनुयायी जो है वो मनाते हैं। कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है? तो देखिए, कोलायत बीकानेर में है और यहाँ पे कपिल मुनि का मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपने बहुत ही कम चांसेस है कि देखे हों या फिर पढ़े हों। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये जो दुर्गाष्टमी है अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? तो देखिए, 14 जनवरी को जो त्योहार मनाया जाता है, जो पर्व मनाया जाता है वो मकर संक्रांति है। अब आगे जो प्रश्न है वो है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण से संबंधित। राजस्थान में कहावत है मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक धौला दूजी मारवाण तीजो कसमूल रंग। इसमें कसमूल रंग कौन सा है? देखिए, ये प्रश्न पीछे भी काफी चर्चा में रहा था, तो ये कसमूल रंग का अर्थ है लाल रंग। ये जो है प्रश्न डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी किसके प्रकार है? ये जो प्रकार है वो आपको अलग अलग याद करने होंगे। कहीं पर सिक्कों के प्रकार होंगे, यहाँ पे ये पगड़ी के प्रकार दे रखे हैं, तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे और इनका जो प्रकार है वो याद रखना पड़ेगा। तो ये पगड़ी के प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए, आगे दे रखा है पगड़ियों के बारे में जानकारी। यहाँ पे मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। अब देखिए, लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? तो जो लहरिया पगड़ी है वो श्रावण महीने में पहनी जाती है। मंदिल पगड़ी कब पहनी जाती है? तो मंदिल जो पगड़ी है वो दशहरे के दिन पहनी जाती है।
फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? तो जो छपाई वाली पगड़ी होती है फूल पत्ती की, वो होली के दिन पहनी जाती है। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सभी चीजें हैं वो किसके अंदर यूज होती है? पगड़ी के अंदर यूज होती है। अब देखिए, तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोडी, कानो, डगला, ये किस वस्त्र के उपनाम हैं? तो ये अंगरखी के सारे अलग अलग उपनाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए, आपको ये सभी अलग से याद करने होंगे। चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? तो ये किस वेशभूषा के प्रकार है? साड़ी के। चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावली, लहरिया किसके प्रकार है? ये साड़ी के प्रकार है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखने होंगे कि साड़ी के अंदर ये चीजें काम आती है या फिर साड़ी के प्रकार है वो ये हैं। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में सीवण खाना, रंग खाना, छाप खाना कुछ वस्त्रों से संबंधित है। इनका निर्माण किसने करवाया था? यानी कि वस्त्रों से संबंधित जो छापखाने या कारखाने बनवाए थे 36, इनका निर्माण किसने करवाया था जयपुर के अंदर? तो सवाई जयसिंह ने इनका निर्माण करवाया था। अब देखिए, पोमचा, पोमचा का मतलब क्या है? पोमचा कब काम में लिया जाता है वो यहाँ पे जानकारी दे रखी है। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पीला पोमचा का मतलब है जब बेटे का जन्म होता है तब स्त्री उसे पहनती है। गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है? जब बेटी का जन्म होता है तब उस उत्सव पर स्त्री गुलाबी पोमचा पहनती है। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर, ये किसके प्रकार है? ये लहरिये के प्रकार है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहाँ के रंगरेज नीलगर, राजाशाही, लहरिया रंगते थे और जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी? कहाँ के रंगरेज या फिर नीलागर जो है वो राजाशाही लहरिया रंगते थे जिनके अंदर गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं देखने को मिलती थी? तो वो जयपुर के जो रंगरेज थे या फिर कलाकार थे जो उनका रंगने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे, वो इस तरह का कार्य करते थे। अब देखिए, आड़ी धारियां केवल एक ओर से वह लहरिया और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? जब देखिए आड़ी धारियां एक तरफ से आती है तो उसे तो लहरिया कहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को काटती हुई दोनों तरफ से आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। समुन्द्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए, समुन्द्र लहर का लहरिया यानी कि एक तरह से ये कपड़ा होता है उसके अंदर कलाकारी की हुई होती है। तो समुद्र लहर का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो जो तकनीक है उसके अंदर चुनरी के बंदेज का जो कार्य है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो वो है बद्ध। लहरिया, पोमचा, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो देखिए, लहरिया जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है और पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, बाड़मेर में अजरक प्रिंट किन रंगों का प्रयोग होता है? अब देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है अजरक अजरक जो प्रिंट है वो कहाँ का है, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो बाड़मेर का है। अब अजरक प्रिंट के अंदर कौन कौन से कलर काम में लिए जाते हैं? तो लाल और नीला रंग अजरक प्रिंट में काम में लिया जाता है। आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की छपाई होती है? तो ये लाल व काले रंग की आहड़ और भीलवाड़ा में छपाई होती है चुनरी की। बगरू जयपुर में अपने स्याह बगैर छपाई के लिए विख्यात है, कौन सा रंग इसके अंदर प्रयुक्त होता है? बगरू के अंदर काला व लाल रंग प्रयुक्त होता है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहलाता है? गोटा कहलाता है। अब देखिए आगे, लप्पा लप्पी, बांगड़ी, ये किसके प्रकार है? ये गोटे के प्रकार है। यानी कि ये वस्त्र से संबंधित और आभूषण से संबंधित ही प्रकार आपको प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं गोटे के बारे में। अब देखिए, खंडेला सीकर में गोटा उद्योग जो प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है।
अब देखिए, चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। ये भी इनके अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया आठमासिया होता है, ठीक है, ये चौड़ाई के आधार पे यहाँ पे बताए गए हैं। अब देखिए, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। तो ये जो पेचवर्क का काम है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा, ये किस अंग के आभूषण है, यानी कि ये कहां पर पहने जाते हैं? तो ये सर पर पहने जाते हैं। थमणियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुसी, किस अंग के आभूषण है? तो ये जो आभूषण है, ये गले के आभूषण है, आपको याद रखना है। तुलसी, बजटी, हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपकली, हंसहार, सरी, कंडी, किस अंग के आभूषण है? ये गले के आभूषण है, ठीक है। अब आगे बात करें, कर्णफूल, पिप्पल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठियां, झेला, लटकन, टोंटी, ये किस चीज के आभूषण है? ये कान में पहने जाने वाले आभूषण के प्रकार है। आगे देखिए, कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है, यानी कि जो चूड़ी लाख से निर्मित होती है उनका नाम यहाँ पे बताना है। कड़ा हो गया, कंकण, मोकड़ी, ये लाख से निर्मित होती है। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, कात्या, ये किस अंग के आभूषण है? ये हाथ में जो पहने जाने वाले आभूषण है उनके नाम है। बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा, ये हाथ की अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण के अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए, पैर में जो आभूषण पहने जाते हैं उनके नाम है, लंगर, नूपुर, झांझर, नेवरी, ये आभूषण पैर के अंदर पहने जाते हैं। नथ, बेसर, बारी, भोंगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवर कड़ी, ये नाक के अंदर पहने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, चोप और चूंप, ये दोनों एक जैसे से नाम आपको लगेंगे और इनका अलग अलग जगह पे ये पहने जाने वाले आभूषण है। अब देखिए, चोंप तो जो होता है वो तो पहना जाता है नाक में, और चूप पहना जाता है कहां पे? देखिए, दांतों के अंदर, ठीक है। अब देखिए, दांतों पर सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? रखन कहा जाता है, ठीक है। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, अब देखिए, एक तो खोल बनाकर उसके आकार यानी कि दांत के आकार जैसा आकार बनवाकर दांतों पर चढ़वाना, वो तो हो गया रखन, लेकिन सिर्फ कील जड़वाना, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूप कहलाता है। चांदी के आभूषणों, जिसे तारकसी कहते हैं, धातु के बारीक तारों से जो निर्मित होती है, इसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कांच के बीच सोने की बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, लेकिन थेवा कला के अंदर क्या काम किया जाता है? यहाँ पे कांच पर सोने की बारीक का, सोने का जो बारीक काम किया जाता है, उसे थेवा कला कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है, इसके अंदर आभूषण दे रखे हैं और ये बच्चों के आभूषण है, ठीक है। आप ये पीडीएफ मात्र 78,520,40,253 पर व्हाट्सएप मैसेज करके 69 रुपए में खरीद सकते हो। 2000 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 86 पेज की ये पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंठ, अब देखिए, कंठ में क्या पहना जाता है? हंसुली पहना जाता है, या जो कंठ में आभूषण पहना जाता है उसे हंसुली कहते हैं। ये बच्चों के आभूषण की बात हो रही है। पांव में जो पहने जाते हैं वो कड़े पहने जाते हैं। कान के अंदर मोती और लूंग पहने जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।